तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपनी बाइक में कुछ काम करवाने वाले और थोड़ा यूनिक, ठीक है। तो अभी आगे चलो, मैं बताता हूँ आपको, जिससे देख ही सकते हो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है। अभी दो ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आज हम लोग ये लगाने वाले, तो अभी आगे चलो मैं आपको बताता हूँ तो क्या क्या करवाने वाले हैं। लेट्स गो। तो अपना आज थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का सामान लेके जा रहा हूँ, गैराज पे जाऊँगा और दिखाऊँगा आपको क्या क्या है, मतलब मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, पीछे का हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले अभी। तो सीधा गैराज पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या क्या होने वाला है। तो सीधा गैराज पर मिलता हूँ। तो गाइज, हम लोग गैराज पर पहुँच गए और अपनी बाइक का जितना भी काम करते हैं, देखो भाई अभी सब अपना निकाल रहे सामान। अरे सामान दो ही है, एक तो ये है, ठीक है। ये हम लोग लगाने वाले पीछे से, पीछे का नंबर प्लेट जो लगाता है वो है, इसको निकालने वाले क्योंकि ये बहुत आवाज़ करता है लड़के लिए, तो इसको भी निकालने वाले हम लोग। और ये वाला लगाने वाले, कैसा लगता है पल्सर 220 पे देखते हैं अभी। और KTM के जो इंडिकेटर है, ये वाले इंडिकेटर जो, वो लगाने वाले हम लोग आज। तो फटाफट काम स्टार्ट करवाते हैं अभी, ठीक है गाइस। तो अभी पहले इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्क्रूज है, दो इधर है, चार स्क्रू है। पीछे का जो फेयरिंग है वो निकल गया है। तो अभी बिना फेयरिंग के अपने पीछे वाली गाड़ी कुछ इस तरह से लग रही है, ये चेक करो। अभी सही लग रही है पीछे से, यहाँ पर रॉकेट लगा देते हम लोग। तो गाइस, अपना अभी पूरा फेयरिंग वगैरह निकल गया। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर कुछ जुगाड़ वगैरह करें, तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है। तो गाइस, अपने को है ना यहाँ से पूरा, मतलब जो है पूरा काटना पड़ेगा। तो गाइस, पीछे का मडगार्ड हम लोग ने काट लिया, ठीक है। और ये वो जो ऊपर वाला जो फेयरिंग है ना, उसके हिसाब से हम लोगों ने काटा है। जो ये वाला है, मैं आपको दिखता हूँ, इस वाले से थोड़ा सा हम लोगों को बाहर रख के काटा है, ठीक है। क्योंकि बारिश के टाइम पे नीचे का टायर से पानी उड़ के अंदर ना जाए, इस तरह से लगेगा। अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये ज़्यादा दिखेगा नहीं बाहर। ये कुछ इस तरह से बैठ गया। मडगार्ड का टुकड़ा निकाला था ना काट के, हम लोगों ने टाइट कर दिया अभी। और हम लोगों ने यही वापस लगाया क्योंकि फिर पानी अंदर ना जाए, ठीक है गाइस। तो अभी साइड स्टैंड पावर रखने के लिए वो निकाल दे रहे हम लोग, क्योंकि इसकी वजह से बाइक का लुक थोड़ा ख़राब हो जा रहा था। ये निकाल रहे हम लोग और खाली अभी देखो, ये इसके साइज़ का हम लोग कटिंग कर रहे अभी पूरा। ये थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा और बचा अभी। फिर उसके बाद हम लोग नंबर प्लेट लगाने वाले, जो ये होल दिख रहा है ना, तो ये होल दिख रहा है ना, यहाँ पर ही हम लोग लगाने वाले। तो अच्छे से प्लेट लग के, एक लोखंड का प्लेट ला के उसको बड़ी टाइट करने वाले हम लोग। तो गाइस, अपना सब निकल गया, इधर से फेयरिंग, इधर से वो भी निकल गया जो पावर रखते हैं, शूज क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं वो भी निकल गया है। और अपना कटिंग वगैरह एकदम देखते हो कितना लेवल टू लेवल करवा दिया हमें, और बाकी सब हो गया। अभी खाली फटाफट ये कहाँ गया नंबर प्लेट, वो लग रहा है, लगाने वाले अभी फिक्स, ठीक है। और अभी किस तरह से लग रही है अपनी पल्सर पीछे से, ये चेक करो, मतलब अपनी ब्लैक पल कैसी लग रही है ये चेक करो। और ये कुछ, ये अब जब यहाँ पर ऐसे कुछ यहाँ पर आएगा, इधर ही आ जाएगा एकदम फिक्स, ठीक है। ये इधर लगने वाला एकदम से। और ये अच्छी क्वालिटी का मिला, और जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं लाया था ये प्रोडक्ट दोनों, ठीक है, मार्केट गया तो जिस ये ऊपर कहीं आई बटन में आ रहा होगा लिख, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो वो वीडियो भी, ज़रूर देखना। और कैसी वो वीडियो लगी मेरे को कमेंट करके बताना। फिलहाल अभी ये वीडियो पर ध्यान देते हैं। तो गाइस, अभी एक
हम लोग ने एक ये वाला प्लेट वेल्डिंग करवा रहे हैं, ऐसा कुछ टाइप का प्लेट है, ठीक है। तो अभी वेल्डिंग हो रहा है, देख सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरह से वो पट्टी है, ठीक है। तो हम लोग ने जो उसका चेसी है जो लास्ट का, इसको यहाँ पर अभी तो गर्म है, ठीक है, यहाँ पर टच करवा दिया और वेल्डिंग कर दिया दोनों साइड। अगर डायरेक्ट ये प्लास्टिक रखता तो गड्ढे वड्ढे में टूट जाता मेरा प्लास्टिक भी। तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है लास्ट में, जो दोनों चीज़ें दिख रहे हैं ना, इधर ही हम लोग ने वेल्डिंग किया है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, अगर डायरेक्ट रखते तो ये बाई चांस कभी कोई होता तो टूट जाता ये भी, इसके लिए हम लोग ने वेल्डिंग करवाया, ठीक है। तो गाइस अपना फाइनली नंबर प्लेट थोड़ा सा मतलब काम और बचा, लग गया है पूरा। हमने वो प्लेट को वेल्डिंग करवा के स्क्रू ऐसा इस तरह से स्क्रू लगवा दिया, स्क्रू लगा दिया और टाइट कर रहे अभी, ठीक है। तो अपना नंबर प्लेट पीछे का लग गया है, नंबर प्लेट का स्टैंड, मतलब वो स्टैंड ही बोलते हैं शायद, ठीक है। पूरा फाइनल होने के बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह से अपना ब्लैक पर्ल में लुक आ रहा है। तो गाइस अपना फाइनली नंबर प्लेट ये जो है लग गया है, ठीक है। अभी और खाली अभी इंडिकेटर वगैरह बचा है, इंडिकेटर वगैरह लगने वाला है और थोड़ा सा वायरिंग का काम बचा है। जो मेरी ये साइड लाइट है यहाँ पर रेड वाली जो लगती है वो बची है, और अपना फाइनली काम हो जाएगा। और पूरा लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे से, अभी लगने के बाद अभी पूरा फाइनल लुक कैसा लगता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी नंबर प्लेट खाली वो बची है, निकालना है उसमें से, और इंडिकेटर लगने के बाद कुछ इस तरह से लग रही है अपने पीछे का एरिया, तो इस तरह से कुछ दिख रहा है। थोड़ा इंडिकेटर बाहर की साइड ऐसा लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बराबर ही है। तो गाइस ये वाला नंबर प्लेट मैं अभी नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि ये बराबर बैठेगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग दूसरा नंबर प्लेट लगवाने वाले अभी, ठीक है। तो यहाँ से अभी सीधा नंबर प्लेट बनवा के मिलता हूँ। तो अभी तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है, आप लोग एक बार देख लो, फिर नंबर प्लेट लगने के बाद मैं आपको लुक दिखाता हूँ, ये चेक करो। काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है पीछे से, तो अभी के लिए फिलहाल, फिर बाद में देखते हैं अभी। तो गाइस नंबर प्लेट की चालू करो यार, नंबर प्लेट की ये वाली लाइट भी चालू हो गई है, ठीक है। अब यहाँ नंबर प्लेट खाली लगाना बाकी, जो नंबर प्लेट है नहीं इसके लिए भी जाना पड़ेगा दुकान पर। तो चलते अभी, और किस तरह से लग रही है लगाने के बाद, प्लेट नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइस अपना इंडिकेटर कुछ इस तरह से लग रहा है ब्लैक पल पे, ठीक है। ये चेक करो कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। तो खाली अभी एक इशू हो गया है, खाली नंबर प्लेट वो वाली जो मेरा पुराना वाला पे लगा था वो यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि इसका होल और इसका होल में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो मुझे चेंज करानी पड़ेगी नंबर प्लेट, वैसे भी मुझे चेंज ही करानी थी क्योंकि ख़राब हो गई है, ठीक है। तो आज ये भी करवा ही लेता हूँ साथ में। तो यहाँ से सीधा चलते हैं नंबर प्लेट की शॉप पर, फिर देखते हैं क्या सीन होता है। तो अभी गाइस चलते हैं, अभी नंबर प्लेट बनवा के आते हैं। अगर नंबर प्लेट बनाने के बाद अगर टाइम अगर लगेगा ज़्यादा तो फिर अपन वॉशिंग के लिए आ जाएंगे इधर से उधर से, ठीक है। फिर वॉश करवा के फिर देखते हैं क्या सीन होता है, चलते हैं अभी। तो गाइस हम लोग नंबर प्लेट अभी निकल गए हैं बनाने के लिए, तो अभी यहीं पे एक शॉप है, ठीक है। तो अभी हम लोग अचोलत तालाब रोड पे है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी शॉप है, मैं हम लोग इधर ही कराने वाला हूँ, अभी देखता हूँ कितना बोलता है अभी। भाई आ गया, एक मिनट मेरे को यहाँ लगाना है ना, तो गाइज ये नंबर प्लेट है 150 पूरा, मतलब लिख विख के नंबर है 150 तक हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी मैं वही गैराज वाले भाई से भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली गाइस 150 है, ठीक है। तो ये बराबर बैठ भी रही है, खाली थोड़ा सा है तो वो हम लोग देख लेंगे क्या है सीन, ठीक है। तो गाइज अपना फाइनली नंबर प्लेट भी रेडी हो गया, ठीक है। अभी ये वाला लगा देंगे अपन, इसको थोड़ा सा वो करना पड़ा, चलेगा ये तो। हाँ शायद, तो गाइज अभी सीधा आई थिंक वॉशिंग आज बंद है। अबे यार क्या सीन है ना। तो गाइज वॉशिंग तो बंद है, तो वॉशिंग मैं बाद में करा लूँगा। तो अभी चलते हैं नंबर प्लेट लगवाते फिर घर जाएंगे। तो गाइज अपनी गाड़ी मतलब फाइनली अपना नंबर प्लेट ये वगैरह सब कुछ हो गया आज, ठीक है। खाली वॉशिंग का बचा, जो वॉशिंग आज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर। तो ये जो भी नंबर प्लेट है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए ठीक है, कैसा लग रहा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये नंबर प्लेट मुझे लगा 150 रुपये, ये जो स्पेशल अलग से लगाया 150 रुपये का लग गया, ठीक है। और काफ़ी ठीक ठाक अपना हो गया सब कुछ, ठीक है। अपने को ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, वरना मैं YouTube वगैरह पे देखा तो कुछ ज़्यादा ही अलग है, ठीक है। आए वो सब छोड़ो गाइस। तो आपको कैसी लग रही है ब्लैक पर्ल अभी नंबर प्लेट लगाने के बाद, और लुक पीछे से कैसा आ रहा है मुझे कमेंट करके बताना। और अभी ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये ब्लॉग कैसा लगा आई होप आपके यूजफुल रहेगा। पल्सर में अगर ये लगा रहे हो तो एक बार देख लो कैसा है, मतलब क्या चीज़ सीन है। और ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। See you for next vlog guys, bye bye.